पहला प्रश्न आप सभी के सामने। आज एमपी के टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टॉप बहुत ही फास्ट करना, ठीक है? कोई डिस्कस नहीं, ओनली फास्ट। फिर जाओ, मध्य प्रदेश में शालाओं की संख्या लगभग कितनी है? बहुत ही ज्यादा। आप लोग की एमपी में सबसे ज्यादा शिक्षक हैं, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। 106, यानी कि स्पेशली देखता है 106 हजारों में आ रहा है ना, तो इसको काउंट करें, 10,06,000 बस कॉम है। अच्छा ये बताओ, आप लोग का तीजन भाई, तीजन भाई, तीजन भाई, तीजन भाई किससे संबंधित आप लोग का है? फटाफट ये जो आप लोग का है तीजन भाई किससे संबंधित है भैया? भजन और लोकगीतों से आप लोग के संबंधित है, यानी कि डी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ये आप लोग का छत्तीसगढ़ जिले से आप लोग की लोकेट करती है। पद्म भूषण, पद्मश्री, नाटक अकादमी पुरस्कार सब कुछ इनको मिला है। यूनेस्को की वन्य प्राणी संरक्षण सूची में कौन सा स्थान शामिल किया गया? वन्य प्राणी सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आप लोग का पचमढ़ी को शामिल किया गया है। डी इज योर राइट आंसर, है ना? डी इज योर राइट आंसर। अच्छा अगला, इससे रिलेटेड फैक्ट है काफी सारे, उन फैक्ट्स को आप लोग खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना? मानव पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? ये जो आपका है राजगढ़ आप लोग का है, ए इज योर राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? एमपी का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया? उज्जैन इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक जिले कौन से हैं? देखो सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं की है, बालाघाटी आप लोग का है, सी इज योर राइट आंसर। किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये जो आपका है सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ठीक है? अच्छा 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है? पांचवा इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। 9 मिनट लेफ्ट, 9 मिनट आप लोग के अभी शेष है, 9 मिनट में अपन को सब कुछ करना है ना। पांचवे स्थान पर आ चुके हैं, डी इज योर राइट आंसर। लकड़ी चीरने के उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपका कहां पर है? लकड़ी चीरने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आपका कहां पर है? वेरी गुड, जबलपुर। संस्कार नहीं, परेशान होगा, कोई डिटेल नहीं। पचमढ़ी से संबंधित स्थान, पचमढ़ी से संबंधित स्थान, सारे के सारे मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन कृषि का दर्जा कब दिया? मत्स्य पालन नीति कृषि का दर्जा। मध्य प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या, एमपी का सबसे बड़ा शासकीय मेडिकल कॉलेज भैया ग्वालियर में है, ग्वालियर का रहता है तो मुझे तो बताना पड़ता है, मैं क्या करूं, है ना? ग्वालियर की बात कुछ पा नहीं सकते हम। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला, बीस राइट आंसर। अच्छा सड़कों की कुल लंबाई डाटा एक्यूरेट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, हाउ इन इंडिया हाउ प्राप्ति हाउ इक्वल, महिलाओं की औसत आयु 57 ईयर। वर्षा का औसत मध्य प्रदेश में, वर्षा का वार्षिक औसत मध्य प्रदेश में, वर्षा का वार्षिक औसत 1371 और सबसे ज्यादा पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति किस भाषा परिवार की है? द्रविड़ियन समूह की आप लोगों का है। निम्नांकित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर है? बी इज योर राइट आंसर। नए आरक्षक एवं प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षित कहां किया जाता है? छठी वाहनी जबलपुर, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। सेकेंड आप लोग का ये है, पहले पर 3 है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी गुड, पार्वती, कूनो, वर्धा और तवा। तो पचमढ़ी आपका तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहां पर आप लोगों का है? विजयपुर, गुना, पीथमपुर, धार, मेघनगर और मनेरी मंडला।
नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना एमपी में जो आप लोग का है वो विजयपुर गुना आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या रहोगी। मध्य प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में किसे मोटर गाड़ी स्थापित किया गया, ये जो आप लोग का है पीथमपुर आप लोग का राइट आंसर रहेगा, वी इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में संपूर्ण वर्ष सभी प्रकार के वन्य प्राणियों पक्षियों का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित कब किया गया, डी इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश को अनुसूचित जाति प्रतिशत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये जो आपका सत्रवा। मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहां से होता है, मध्य प्रदेश में शीशे का उत्पादन कहां होता है, यहां सभी जगह आप लोग का होता है, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। चरण पादुका नरसंहार किसके कहने पर किया गया, चरण पादुका नरसंहार किसके कहने पर किया गया, फिसर आप लोग का राइट आंसर रहेगा। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस राजवंश के दरबार में आप लोग का उपस्थित हुआ था, सुंग राजवंश आप लोग का याद रहेगा, इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है, शिवपुरी, इसे ओएमपी की शिमला भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश का वह महान शासक कौन था जो कि विद्वान लेखक विद्यालय का संस्थापक दानसी प्रवृत्ति का था, नाउ स्टार्ट। यहाँ जो आप लोग का है राजा भोज आप लोग का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, आयुष क्या है, तो आयुष जो आप लोग का एक सरकारी विभाग है, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। सतना किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आप लोग का है, सतना आप लोग का सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आप लोग का रहेगा। मध्य प्रदेश में इंडस टू की स्थापना किस नगर में की जा रही है, तो ये आप लोग का इंदौर में की जा रही है, डी इज योर राइट आंसर। भागोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है, तो भागोरिया नृत्य आप लोग का झाबुआ जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है। अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी, तो ये आप लोग की इंदौर की प्रसिद्ध शासिका थी। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कोरकू का शाब्दिक अर्थ आप लोग का मनुष्य का समूह होता है, ठीक है। इसी के साथ आज की सीरीज में कंप्लीट करता हूँ, आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।